प्रधानमंत्री को जाएगा। जो 90 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ का नहीं हो पाया तो वो देश की बहन बेटियों का कहाँ से सुनेगा। देखिए, जब महिलाओं की संस्था है तो उसका चीफ भी तो कोई महिला होना चाहिए ना। जनता तो बहुत खुश है कि मोदी जी की सरकार है, एनकाउंटर हो रहा है, जनता को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण इनके सिस्टम का पार्ट नाम है इसका। मैं नाम भी तो लेने में शर्म आती है। अगर वही कोई अहमद होता, कोई खान होता तो क्या होता, इस तरह से बैठा होता? नहीं, मुगलों के हिसाब से उन्होंने हटा दिया, उनको लगता है कि उनके बच्चे अब अच्छी तालीम। नहीं नहीं, देखिए मुगलों का इतिहास इनके हटाने से कुछ नहीं होता, ये मूर्ख है ना। क्या मोदी चोर नहीं है क्या? मैं भी कह रहा हूँ मोदी चोर है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों को लगातार समर्थन मिल रहा है यहाँ पर हमारे साथ। कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। पहली बात तो ये बता दूँ आपको, मैं जाट नहीं हूँ, मैं हरियाणा से नहीं हूँ, गाजियाबाद यूपी से आया हूँ। और बार बार ये जो सवाल उठाया जाता है जाट का समर्थन और हरियाणा का खिलाड़ियों का, मैं पूछता हूँ क्या ये जो बेटियाँ बैठी हैं इनको समर्थन तभी देंगे हम जब ये जाट की बेटी होंगी या ये खिलाड़ी होंगी? किसी भी बच्चे के संग अगर दुराचार होता है तो क्या हमें कष्ट नहीं होना चाहिए? और जो लोग सवाल कर रहे हैं बार बार, तब नहीं बोली कब? अरे किसी लड़की से पूछ कर देखिएगा क्या बीतती होगी उस पर जब उसके संग होती है। जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा, हमेशा उसको ही उस पर रखता है सवालों में, लड़की को। लड़की कितनी डरी हुई होती है। अगली बार मेरा सवाल इस सरकार से ये है, इनकी मात्र संस्था है RSS, और आपको ताज्जुब होगा जानकर मैं RSS बड़े पुराने गहरे जुड़ा रहा हूँ। अभी भी है? नो, पूरी तरह से मैं किसी पार्टी से कोई मेरा वो नहीं है, अपनी स्वेच्छा से ही अपने को स्वतंत्र करने के लिए मैंने बहुत पहले ही मतलब बीजेपी वगैरह से मुक्त होकर अपनी मर्जी से कैंडिडेट को देखकर वोट देता हूँ। कभी इनके कैंडिडेट को भी दे सकता हूँ, कभी दूसरों जो सही लगेगा, ठीक। लेकिन इनके संस्कार पर बड़ा जोर है, पूरे इतने अरसे तक हम रहे संस्कार, सेवा, समर्पण। और भागवत जी के बयान भी देखिए आप, हमेशा भारतीय संस्कृति। मेरा भागवत जी से निवेदन है कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। बार बार कहते हैं कि जिस देश में नारी पूजी जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है। अब देवताओं का वास हो रहा है, किसका वास हो रहा है? कृपया RSS के कोई भी जिम्मेदार लोग, बीजेपी के जिम्मेदार लोग इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? आपने RSS क्यों छोड़ा था? मैंने कोई RSS छोड़ा, बीजेपी छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं, ना ऐसा कुछ ज्वाइन। मैंने आपको एक बात कही, अपने को स्वतंत्र करने के लिए मैं किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन वगैरह से अटैच नहीं रखता हूँ। एक सीमा तक, क्योंकि हमारा पारंपरिक परिवार से जुड़ाव था, फिर मेरे में थोड़ी कुछ कार्य क्षमता वगैरह देखी होगी तो RSS में अच्छे उस पर नाम है। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मैं जगत प्रकाश गर्ग, गाजियाबाद से। गाजियाबाद के सैकड़ों लोग जान रहे होंगे मुझे इस समय। गाजियाबाद से ये भी आए हैं आप, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर लाल रत्नाकर हूँ। लाल रत्नाकर। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, अगर बेशर्मी का नोबेल होगा तो ये प्रधानमंत्री को जाएगा। जो 90 साल की उम्र में अपनी बूढ़ी माँ का नहीं हो पाया तो वो देश की बहन बेटियों का कहाँ से सुनेगा? तो बड़ा सम्मान करते मिलते हैं जाते, कोई नहीं कुछ नहीं करते। वो सिर्फ इनका जुमलेबाजी दिखावा है। वो प्रोटोकॉल तोड़ने में एक्सपर्ट है। अगर वो उन्हें तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था कि अपनी 90 साल की माँ को अपने साथ रखें, पर इसने ये उसके साथ छोड़कर अंबानी मोदी के साथ रहना ज़्यादा पसंद आया। माँ को इन्होंने ज़्यादा मतलब वो अहमियत नहीं दी, अडानी अंबानी को अहमियत दी। बूढ़ी माँ को 90 साल की शर्म आनी चाहिए। शेम। डॉक्टर लाल रत्नाकर हूँ, एक कॉलेज से रिटायर हूँ। मैं शरद यादव जी के साथ जुड़ा रहा लोकतांत्रिक जनता दल से, और आजकल मैं राजद के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमारा गले हो गया है। देखिए हम लोग इस मतलब आंदोलन को सोशल मीडिया के जरिए सुन करके केवल इनको समर्थन देने चले आए, क्योंकि मैं पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो महिलाएं हैं। अच्छा। और आधी आबादी पे मेरा काम है, आप गूगल में डालेंगे तो बहुत सारा निकलेगा। सवाल ये है कि इस दौर में जब ये कहा जाता है कि देश जो है विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, विश्वगुरु में और महिलाओं को जिस संस्था ने हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया, जो इनका जिस मनुस्मृति को लाना चाहते हैं उसमें स्त्रियों पर कितना प्रहार हुआ है, और ये तो अंदर का प्रहार है। आप ये बताइए कि जब महिलाओं की संस्था है तो उसका चीफ भी तो कोई महिला होना चाहिए ना। हाँ, ये तो किसी गुंडे को बनाना, ये तो बिल्कुल लगता है कि अवैधानिक है, जैसे असंवेदनशीलता है। भाई आप हर जगह
गया है। आप अपने घर की बहू बेटियों को लाओ ना जरा सड़क पर और उनको किसी एक आदमी से कहो कि वो उनकी अध्यक्षता करें। तो सबसे पहला इनका जो सिस्टम है, चूंकि इससे डराना चाहते हैं, अब आप देखेंगे तो इनका कोई मंत्री नजर नहीं आता। आपको लग रहा है कि इनके जो सिस्टम में है मनोस्मरण, इनके सिस्टम में ऐसे महिलाओं को लेकर, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं का शोषण इनके सिस्टम का पार्ट। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में, अभी आप देख रहे हैं मोदी साहब को, अमित शाह को किस बात के लिए तड़ी पार कहा गया था, क्या केस था उसको खोलिए ना जरा। सोशल मीडिया पे जब हम लोग उसको देखते थे शुरू में, तो क्या केस था, वो महिलाएं तो थी, लड़कियां तो थी, जरा खंगालिए ना उसको। आप जरा उस पर रिसर्च करिए कि कौन लोग हैं ये जिन्हें मातृशक्ति मातृशक्ति कहते हैं। अभी कोई बंदा आके कह गया कि क्या माएँ हैं, लोगों को भूखा रख करके उनको कुत्तों जैसा, मतलब जिंदा रहो, उनकी उनका रोजगार ले लिया, उनका व्यापार ले लिया, उनका काम ले लिया, आप थोड़े दिन ही खिला रहे हैं। किसी भी दिन आप इमेजिन करिए, किसी भी दिन ये कहेंगे कि अब मैं खिला नहीं सकता, मैं दिवालिया हूँ, तो हमारी दशा लंका से बदतर होगी, पाकिस्तान से बदतर हो जाएगी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि जनता खुशहाल हो। इनका जो लेकिन जनता तो बहुत खुश है कि मोदी जी की सरकार है, जनता एनकाउंटर हो रहा है, परेशान है। आप जनता, जिसको आप जनता कह रहे हैं ना, वो थोड़े से लोग हैं। वोट का परसेंटेज देखिए, वोट के परसेंटेज में 40% लोग नहीं, 40% 60% तो दूसरी हो रहे हैं, वो डिवाइडेड हैं, वो बटे हुए लोग हैं, और उसमें भी इनका 40% किस तरह से है वो तो मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि इनको हर आदमी हर क्षेत्र में, शहरों को छोड़ दीजिए, खास करके दो जो लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन इनका जो सिस्टम पूरा इन्होंने कैप्चर कर रखा है। आज जो कानून है, कानून से तो इन लड़कियों की मदद होनी चाहिए, चाहे कोई भी आदमी हो, उसे जेल होना चाहिए कि नहीं। दूसरा आम लड़का होता, इंसान होता, फौरन जेल में होता। और अगर कोई, क्या नाम है इसका, मैं नाम भी तो लेने में शर्म आती है, अगर वही कोई अहमद होता, कोई खान होता, तो क्या होता, इस तरह से बैठा होता, लोग आंदोलन कर रहे होते, इस तरह से होता, पहले जेल जा चुका होता तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में इस शासन से आप क्या देख रहे हैं? ये नारी के बिल्कुल दुश्मन हैं, नारी शक्ति के ये बिल्कुल, मतलब जो इन्होंने शोषण कर रखा है, मनुस्मृति लाना चाहते हैं, संविधान को बिल्कुल ये खत्म करने का, सब जगह ये संविधान है क्या, यहाँ लैंड ऑर्डर का कोई सवाल है? ये इस तरह से महिलाएं जो रात भर यहाँ पड़ी रहती हैं, वो कोई तरीका है? हम लोग तो निरंतर इस पर काम करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं स्कूलों की स्थिति क्या? मैं पीजी कॉलेज से रिटायर हूँ, क्या पढ़ाई होती है पता आपको? यहाँ सरस्वती पढ़ाई जाती है, यहाँ फलानी पढ़ाई जाती है, यहाँ आइंस्टीन नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ रिसर्च के लिए कोई पैसा नहीं है। मोदी जी ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई क्या? आप जरा देखो ना, किसी भी स्टेट में कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई स्कूल बनाया? और जो इनकी नई शिक्षा नीति है ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल गधा बनाने की है, वो गधा बनाने की इनकी जो पॉलिसी है कि ये सब मूर्ख रहेंगे, और मूर्खों को कभी प्रलोभन दे दो और गुमराह कर दो, हो जाएंगे। नहीं, मुगलों के हिसाब से उन्होंने हटा दिया, उनको लगता है कि उनके बच्चे अब अच्छी तालीम। नहीं नहीं, देखिए मुगलों का इतिहास इनके हटाने से कुछ नहीं होता, ये मूर्ख है ना। आप कह रहे हैं आपकी जैकेट मैंने निकाल ली, आपने घर में 20 जैकेट रखी है। अगर मैं दबंगई से आपकी जैकेट ले लिया, आपका कैमरा ले लिया, आपका चश्मा ले लिया, तो उससे आप चश्मा भीन हो गए क्या? तो ये जो मूर्खों की ये जमात है, मुगल काल क्या रहा नहीं है? वर्ल्ड हिस्ट्री में मुगल काल नहीं होगा, पाकिस्तान में मुगल काल नहीं पढ़ाया जाएगा, अमेरिका का जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ेगा वो मुगल काल नहीं पढ़ेगा। ये कितनी जाहिलियत वाली बात है। अगर आप दुनिया के किसी कंपटीशन में जाएंगे, अगर आपसे मुगल काल पर सवाल पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? आप जानते ही नहीं कहेंगे, हमें पता ही नहीं। ऐसे कौन लोग जिस तरह के फैसले कर रहे कैबिनेट में? एक तो होता है मुस्लिम दुश्मनी करना, या एक मैसेज देना वोट की पॉलिटिक्स करना, दूसरा अभी देश अभी, के... अभी ये हमारे साथी थे ना, संघ का एक इंस्टीट्यूशन है जहां रटी रटाई चीजें बताई जाती है, उसका एक आदमी बता दीजिए जो साइंटिस्ट हो। आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, किसी भी समाज में देख लीजिए, हर समाज से, चाहे आप यूरोप को देखिए ना, हम तो यूरोप पढ़ाते रहे हैं, यूरोप में तो सारे जो रिलीजियस सेंटर थे वहाँ से लियोनार्डो दा विंची निकला, राफेल निकला, माइकल एंजेलो निकला, ऑल आर द साइंटिस्ट, ऑल आर द रिलीजियस पर्सन, ऑल आर द एनी टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो इनके यहाँ क्या है? इनके अभी अभी तमिलनाडु में किया ना, मंदिरों में सभी जाति धर्म के लोगों का, इनके पास एक ऐसी संस्था
ऐसा है जहाँ लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वो चाहे आप अन्यथा मत लीजिएगा अगर इस्लाम से आप जुड़े हुए हैं, इस देश में अगर पहले धर्म को ख़त्म कर दिया जाए ना तो जितना अधर्म है अपने आप साथ, धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है। ये तो जिस आदमी को लगाया गया है उसका काम क्या था, इनको प्रमोट करना और जो इंटरनेशनली खेल करके आ रहे हैं बच्चे उनको पुरस्कृत करना, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनका बलात्कार किया है। आप बताइए ना, कोई पहली बार ये बलात्कार थोड़े हुआ, राजाओं महाराजाओं क्या जो जो विश्व कन्याएं जो कॉन्सेप्ट है क्या है, इन्होंने किसान के बच्चों को क्या समझ रखा है। अगर किसान जिस दिन यहाँ खड़ा हो जाएगा ना उस दिन ये चूहों की तरह अपनी बिल में घुस जाएंगे। एक ही रास्ता है भाई, किसानों ने तो एहतजाज किया हटा दिया है ये, हाँ बट वो ये गलत फैसला ले लिए, एक साल तक वो रहे, ये गलत फैसले पे आ गए हैं। लड़कियाँ जिस दिन गाँव के महिलाएं निकल के आ जाएंगी ना, जगह नहीं मिलेगी, पानी वानी खत्म हो जाएगा। अब अगर ये चलता रहा इनका, अगर ये अड़े रहे बच्चे, तो निश्चित समझो कि आप ये मैसेज दूर दूर तक जा रहा है। गांव गांव की महिलाएं इस पर सोच रही हैं, आएगी। इज्जत इस देश की सबसे बड़ी चीज़ है। इस देश में जो इज्जत है वो महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है, मर्यादा महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है। और पुरुषों की बात आप करते हैं, ऐसे पुरुष निरंकुश जो खूंखार हों, फूलन देवी की बात करूँ आपसे, मेरी मुलाकात फूलन देवी से भी अच्छा है आपकी, यस यस वेरी बहुत वेरी वेल, वो हमको जानती थी। फूलन देवी का जो कॉन्सेप्ट यही था कि उसका भी कहानी सिंहों से जुड़ी हुई थी, और उस कहानी को कोई नहीं कहता था, उसको कहते थे कि 28 ठाकुरों को उसने मार दिया, ये कोई नहीं बताता था कि ठाकुरों ने उसका बलात्कार किया, ये कोई नहीं बताया। और आप एग्जैक्टली, तो आप ये देखो कि जब कहानी को आप शुरू से जब जांचते हो तब पता, कई बार ट्रेन में मेरी भिड़ंत हो जाती थी लोगों से, मैं पूछता था कि वो क्यों मारी आखिर 28 लोगों, ऐसे तो नहीं मार दिया, ऐसे पागल तो थी नहीं, लेकिन वो जो 28 लोगों को मारा तो वो उसके दुराचारी थे। और कहीं कल ऐसा ना हो, बात कहनी नहीं चाहिए, कल क्या हो क्या ना हो, एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए, तो इनकी जो आह होती है ना, मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ और मैं लड़कियों को पढ़ाया हूँ, उनका जो हृदय है, मन है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, हमारे यहाँ तो सभी धर्मों की लड़कियाँ थी, हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन एवरीथिंग, तो ये जो उनके साथ ये अनजस्टिस हो रहा है उसको जिस देश के शासकों को सुप्रीम कोर्ट ने तो जो लिया डिसीजन लिया है, मुझे लगता आगे और भी वो सख्त फैसले लेंगे, और इनका यही हालत रहा तो ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तंत्र जो है एक लिमिट तक ठीक है इनकी बदमाशी चले। तो जो आने वाला समय है मुझे लगता है कि वो इनका वक्त आ गया है मोदी जी का। और ये दुनिया में आप देखिए ना, कर्नाटका में ये घूम रहे हैं पागलों की तरह से, इलेक्शन लड़ रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, कोई भगवान आ गए हैं क्या? और एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो स्टेट के इलेक्शन में जाए, आपने सुना होगा कहीं 10 दिन रुकता हूँ, आप बताओ कोई है? पहला ऐसा आदमी जो साल भर चुनाव की तैयारी करता है, साल भर चुनाव लड़ता है, आप बता दीजिए कि इनकी किसी कैबिनेट की मीटिंग का किसी मंत्री ने बोला हो, कोई विरोध किया हो, संसद चली हो। और आश्चर्यजनक, मैं तो अपने करीब 65 साल की उम्र में पहली बार सुना कि सत्ता के लोग नहीं चाहते कि संसद चले, पहली बार ऐसा, लोग नहीं चाहते सत्ता के लोग। एग्जैक्टली, राहुल को इन्होंने पहले पप्पू बनाया, फिर उसको जो है कितना, मतलब उसकी पूरी फैमिली को इन्होंने कितने अपमानजनक शब्द कहे हैं, अगर सारे आप वीडियोस निकाल के देखो तो इन्हें फांसी कर देनी चाहिए और सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए। क्या कह दिया था, मोदी चोर नहीं है क्या? मैं भी कह रहा हूँ मोदी चोर है भाई, हम जिस बिरादरी से आते हैं हमको गंवार कहा जाता है, कितने हजारों साल से कहा गया, कितने हजारों साल से लोगों को शूद्र कहा जा रहा है, कितने हजारों साल से यहाँ मुस्लिम कहा जा रहा है, मतलब उनको अछूत माना गया, उनके साथ जिस तरह के भेदभाव हुए हैं वो मनुष्य नहीं है क्या? उनका खून काट के टेस्ट कराओ ना, जबकि ये आरक्षण के समय कह रहे थे कि खून काटने की बात कर रहे थे। दुर्भाग्य इस देश का है कि सिस्टमेटिक लड़ाई नहीं। इस देश में जो पेरियार, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और जितने भी हमारे जो 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 मुस्लिम लीडर्स रहे हैं, उन तमाम लोगों ने इस देश की संस्कृति को बनाने की बात की थी, कॉलेज बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए, बताइए ना कोई स्कूल बनाया हो इन्होंने भाई, जामिया, AMU, जितने भी इंस्टीट्यूशन, BHU, मैं तो BHU को पढ़ा लिखा हूँ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ, तो ये थोड़े उन लोगों की इच्छा थी कि ऐसे लोग आएंगे और सिस्टम खत्म कर देंगे, जंगल राज खड़ा कर, किसान पैदा, तो ये जंगल
मंगल राज का एक नमूना है, एक नमूना है। हमारे साथ रहे प्रोफेसर लाल रत्नाकर, जिन्होंने काफी अच्छी बातचीत की है। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आगे भी प्रोफेसर रत्नाकर साहब से बातचीत करेंगे, जो इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू है, देश को किन मुद्दों की जरूरत है, क्या कुछ किताबों में लिखा गया है, क्या आइडियोलॉजी है, इस पर डिस्कशन की जरूरत है और आगे हम जरूर बातचीत करेंगे। मेरी आधी आबादी जी, तो बेहद शुक्रिया कैमरामैन तमन्ना के साथ प्रेस खास में मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।